छोटी भाई को मैं आती ऐसे, बहुत बेइज्जती की बात है भाई, लेकिन नहीं बेइज्जती की बात नहीं है। अरे मेरे लिए मैंने अच्छा हाँ ध्यान नहीं दिया अभी तक, गाड़ी में केक नहीं है, नहीं अब कहाँ आती है केक। सो हे गाइस वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग, सामने खड़ी हुई हमारे सद्दाम भाई की जो कल्लू जी हैं उनकी अपाचे। तो बेसिकली आज हम इस बाइक के ऊपर बात करेंगे, इसके ना थोड़े से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में, क्योंकि यार एक ये कम्यूटर बाइक है। बेसिकली इस बाइक को कौन बंदा परचेस करता है, इसको डेली अपना ऑफिस आना जाना हो या फिर आप लोग कह सकते हो कॉलेज स्टूडेंट्स भी इसको ले लेते हैं। बेसिकली डे टू डे लाइफ में अगर आप इस बाइक को परचेस करते हो तो इसके अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है उस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और जो इस बाइक का ओनर है हमारे सद्दाम भाई, जो मैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स बताऊंगा उनसे भी उस बारे में थोड़ा बहुत पूछते रहेंगे कि वो रियलिटी में कितना उन्हें फेस करने पड़ते हैं ना। ठीक है, तो वो चीज़ भी सद्दाम भाई साथ के साथ बता देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाइक के नेगेटिव्स के साथ, पॉजिटिव तो हर कोई बताता है इसके अंदर जो कमियां हैं। तो सबसे पहली कमी की बात करते हैं तो वो भाई ये है कि इस बाइक के अंदर साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर नहीं आता है। सद्दाम भाई जैसे आप कई बार अपनी बाइक लेके चलते हो और आपकी बाइक का स्टैंड खुला रहता है और आप लेके चले जाते हो पता नहीं चलता कि स्टैंड बंद हो रहा है, दो तीन बार हो चुका है, हो चुका है चीज। तो ये फीचर अपाचे के अंदर देना चाहिए टीवीएस को, क्योंकि मॉनिटर दिया है मैंने तो एक छोटा सा डाल देते क्या चला जाता है। नहीं मॉनिटर का कोई रोल नहीं है, मतलब साइड स्टैंड में यहाँ पे एक सेंसर होता है कि अगर आपका स्टैंड नीचे है तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी गियर में, पता कर लेंगे अगर लग सकता है तो कंटेंट अच्छा है। तो देखो इसके अंदर गाइस एक तो साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर नहीं आता, जो थोड़ा सा सेफ्टी के साथ मैं कहूँगा हल्का फुल्का सा कॉम्प्रोमाइज, आई थिंक ये चीज़ इसके अंदर देनी चाहिए थी। जैसे कि सद्दाम भाई ने बोला कि दो तीन बार ये बाइक ले जा चुके हैं और कई बार इनको मोड़ा तो मुझे अरे स्टैंड नीचे लग रहा है ना, क्योंकि अब हमें क्या आदत हो गई है यूजुअली हर बाइक के अंदर ये फीचर आता है तो हमें लगता है कि अरे हाँ यार जब स्टैंड ऊपर होगा तभी ये स्टार्ट हुई है, क्योंकि जल्दबाजी में बंदा लगाना भूल जाता है, सीधा स्टार्ट करते भगा लेता है। ओके ओके ये चीज़ रहती है, जैसे देखने का मन नहीं कर रहा था तब भगा लेता है। हाँ ये भी चीज़ है। तो देखो एक तो इसके अंदर पहला जो ड्रॉबैक की साइड हम बात करेंगे वो ये है, सेकंड चीज की यहाँ पे मैं पर्सनली बताता हूँ इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में देख सकते हो इसके अंदर आने वाले राइडिंग गियर्स। बेसिकली देखो राइडिंग गियर्स को मैं नेगेटिव या पॉजिटिव वे में दोनों में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार देखो 160 सीसी की बाइक है, इसके अंदर आप इन मोड्स को टॉगल करके अगर अपनी बाइक चलाओगे, जैसे कि इसमें रेन आता है अर्बन आता है और स्पोर्ट्स आता है, आपको क्या ही फर्क पता चलेगा यार, एक खुद सोचने वाली बात है, बच्ची सी ये बाइक है, थोड़ी सी इसके अंदर से पावर निकलती है, उस पावर को भी आप ट्विक करोगे तो मुझे नहीं लगता कि यार ये कोई काम का फीचर है या फिर इसको मतलब कोई रीजन नहीं है, मतलब कोई लॉजिक नहीं लग रहा है इसके अंदर देने का। जैसे कि हम बोलते हैं R15 M के अंदर TCS दे रखा है उसका कोई लॉजिक नहीं, अगेन ये भी एक इसी तरीके की चीज है, इसका भी मुझे नहीं लगता पर्सनली कोई यूज है। सद्दाम भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप मेरे को एक बात बताओ, आपकी बाइक में ये मोड्स आते हैं तीन, ये रेन स्पोर्ट और ये अर्बन, कभी आज तक रियल लाइफ में सच बताना कितनी बार यूज करें भाई? क्या मैं रोज सोचता हूँ करूंगा कभी नहीं, एक बार बारिश में रेन का किया था लेकिन भाई जब चलाने में कोई फर्क महसूस हुआ था? नहीं पता चला ना, नहीं फर्क महसूस हुआ था, इसका कोई तुम्हें लगता है कोई लॉजिक है, कोई फायदा है इस बाइक के अंदर? या तो जब पता चलेगा कि जब मैं कोई गाड़ी तेजी में चला रहा हूँ और से कोई कुत्ता उत्ता मेरे आगे मर गया हो तो मैंने ब्रेक मारी और रेन मोड, उससे ब्रेक से क्या फर्क पड़ेगा? रेन मोड से सिर्फ ये फर्क पड़ेगा थोड़ी पावर कम आएगी, ब्रेक पे कोई फर्क नहीं पड़ना, हो सकता है क्योंकि मैंने कभी, ये सुपर बाइक नहीं है कि आप इसके मोड चेंज करोगे तो ब्रेकिंग में डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ बस थोड़ा सा सिर्फ सिर्फ थोड़ा हवाबाजी, तो ये तो तुमने हवाबाजी कर दी मगर रियल लाइफ में इसका कोई जेन्युइनली कोई ऐसा कोई यूज समझ में नहीं आता। हाँ वही चीज मैं भी कहता हूँ, क्या लगवा दिया? अच्छा ये तो तुमने वो तो हजार उसको छोड़ दो। तो देखो गाइस इसका जो जेन्युइन बात है वो यही चीज है, बट अगर वहीं पे बात करते हैं जो टीवीएस की अपाचे RR310 आती है उसके अंदर मोड्स का जेन्युइनली आपको डिफरेंस समझ में आएगा। बेसिकली अगर आप उसको चलाते हो स्पोर्ट्स मोड के ऊपर ना तो आपको फील होगा कि आपकी बाइक जो 10,500 RPM तक रेव हो रही है, वहीं पर अगर आप उसको चलाते हो थोड़ा सा मान लो अर्बन मोड में या रेन मोड के अंदर तो उसके जो RPM की जो रेव है वो कम हो जाता है और जो पावर डिलीवर है वो थोड़ी लीनियंट हो जाती है, अगर एकदम से थ्रॉटल भी करोगे तो क्विकली पावर डिलीवर नहीं करती क्योंकि उसके अंदर पावर है, बट इसके अंदर आई डोंट थिंक कि मोड का कोई बहुत ज़्यादा यूज है। और जैसे कि मैंने बोला ये कंप्यूटर बाइक है, बंदा अपना ऑफिस आने जाने के लिए यूज़ करता है तो उसका इस चीज़ के ऊपर ध्यान भी नहीं जाता, जैसे कि हमारे सद्दाम भाई ने बोला कि ये रोज सोचते हैं यूज़ करूंगा मगर कर नहीं पाते, सुबह सुबह ऑफिस जाने की जल्दी शाम को घर आने की जल्दी, तो उस चीज़ के चक्कर में इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, अब अगर इसके मैं नेक्स्ट ड्रॉबैक के बारे में बात करता हूँ तो भाई डेफिनेटली बाइक अच्छी है, चलाने में मजा आता है, फील गुड फैक्टर है, बट यहीं पे अगर देखा जाए ना सद्दाम भाई आप जैसे कि मैं कहता आपने कितनी खरीदी है बाइक? 138,000 रुपए की। आपकी बाइक में अगर मैं कहता हूँ अगर ये 138 के बदले आपको ये बाइक मिलती 150,000 रुपए की, मैं 10,000 रुपए आपकी बाइक पे 12,000 रुपए बढ़ा रहा हूँ और पीछे ABS दे देते, ये डुअल चैनल कर देते तो वो चीज आपको वर्थ लगती? बिल्कुल लगती भाई, है ना लगती है। अच्छा कोई नहीं यार, 10,000 में सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज करना, सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज करना ठीक नहीं है। तो ये चीज मेरे को भी लगती है कि यार इस बाइक के अंदर डुअल चैनल ABS एटलीस्ट दे देते ना तो वो चीज थोड़ी सी अच्छी हो जाती। हालांकि देखो इस बाइक के अंदर डुअल चैनल ABS नहीं दिया उसका बहुत बड़ा भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यार ये एक परफॉर्मेंस बाइक नहीं है, इसको ऐसा नहीं है कि आप बैठते फुल टाइम फुल रैप पे चला रहे हो, बट इनकेस अगर हाई स्पीड में 100-120 तो ये भी आराम से जाती है ना, आप उस स्पीड पर अगर आप ब्रेक लगा रहे हो तो वहां थोड़ा सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज लगता है। तो ये चीज मेरे को लगता है कि इसके अंदर पीछे एक ABS नाम का प्राणी और घुस जाता तो वो बढ़िया रहता। ठीक है, एक ड्रॉबैक इसका ये भी है,
नेक्स्ट ड्रॉबैक की बात करते हैं भाई, इस बाइक के अंदर गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं आता। अब इसको आप लोग खुद बताना है गियर शिफ्ट इंडिकेटर इसका ड्रॉबैक है या फिर नहीं है, इसके अंदर यहाँ पे नहीं आता है। उसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि आपकी टॉप स्पीड वगैरह भी टीवीएस के व्हीकल के अंदर रिकॉर्ड होती है, जैसे कि सद्दाम भाई ने 117 लगाई है 117 तक ये देखो लिखा रहा है, HISPD मतलब हाई स्पीड लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पे आपकी हाई स्पीड वगैरह भी रिकॉर्ड होती है। और यहाँ पे आपकी ये क्या है 9.9 सेकंड के अंदर ये भाई ने 60 लेके गए हैं। तो TVS के व्हीकल्स के अंदर क्या रहता है कि अगर आप 0 to 100 करते हो ना, तो आपका जो व्हीकल है तो उसके अंदर स्पीड रिकॉर्ड होती है। ये चीज़ मेरे एंटॉर्क में भी, अगर मैं 0 to 100 करूँगा तो वो 60 की स्पीड तक अचीव कर लेता है, तो वो चीज़ रिकॉर्ड है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको टाइम पता चल जाता है। और गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं है, तो बताओ वो होना चाहिए था नहीं होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? हालांकि गियर 5 ही है, नॉर्मली हम लोग तो पता लग ही जाता है कौन सी गाड़ी, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इसमें 5 ही गियर है, 6 नहीं है, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती। बट ये है कि एक चीज होती तो अच्छा रहता, बस हम ऐसा बोल रहे हैं, इसको कोई प्रॉपर नेगेटिव मतलब प्रॉब्लम हम नहीं बता रहे हैं। देखो भाई, अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट चीज की बात करता हूँ, वो है इस बाइक के अंदर थोड़े से वाइब्रेशन बनते हैं। बेसिकली ये रैव होती है, इसके मैं एक बार आपको RPM दिखाऊं, तो ये लगभग 10,000 RPM तक रैव हो जाती है, यहाँ तक चला जाता है इसका रैव, 9-10,000 RPM तक चला जाता है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा शोर नहीं कर सकते, मैं आपको रैव करके दिखा पा रहा। तो बेसिकली सीन क्या, जब इसको चलाओ ना, इसमें वाइब्रेशन आते हैं, आपको सद्दाम भाई वाइब्रेशन फील होते हैं इस बाइक पे? 80+ होने के बाद ना, 80-90 होने के बाद थोड़ा मुझे वाइब्रेशन होता है फील। सबसे पहले तो इसके इस पे पैर पे होती होगी, फुटपैक्स पे हल्का फुल्का इंजन, क्योंकि मेरा पैर खुल गया। यहाँ पे भी, यहाँ पे थोड़ा पता चलती होगी। 60 की स्पीड पे 5वें गियर पे चल रहे हो तो वाइब्रेशन तब नहीं होगी, अगर छोटे गियर पे जल्दी से जोर से खींचते हो तब आती है, ठीक है। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि लोअर RPMs पे वाइब्रेशंस कंट्रोल्ड हैं, बट अगर हायर RPM पे जाती है तो थोड़े वाइब्रेशंस बनते हैं। तो ये तो बात रही इस बाइक के नेगेटिव्स के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ इस बाइक के पॉजिटिव। दाम भाई, ये हमने आपकी बाइक की ना बुरी बातें कर ली, तो कोई और ऐसी बुरी बात है जो मैंने छोड़ दी, जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ नेगेटिव के वे में आपको लगता हो कि वो भी आप शेयर कर सकते हो? सिंगल चैनल एबीएस वो मैंने बता दिया, हाँ, और कोई कमी नहीं है। अब देखो, एक कम्यूटर बाइक की हम बात कर रहे हैं, तो अब इसके अंदर अच्छाई की बात करते हैं। सबसे पहले भैया, 160 cc की बाइक होने के बाद सद्दाम भाई कह रहे हैं कि बहुत तगड़ी एवरेज देती है, क्लोज टू 40 to 45 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज निकाल देती है। डेली 50 किलोमीटर चलाते हो और 500 के तेल में मुझे लगता है आपकी 6-7 दिन चल जाती है। मुझे लग रहा है 6 दिन चलने लग रही है, 6 दिन। तो अगर 500 के तेल में 6 दिन चल रही और डेली का आप 50 किलोमीटर जा रहे हो, तो भाई देखने वाले खुद कैलकुलेट कर लेना। अब सेकंड चीज की बात करते हैं, इसके अंदर एयर कूल्ड इंजन है, और इंजन 160 cc का होने के बावजूद भी आपको जो हीट वीट है ना, कोई बहुत ज्यादा हीट नहीं मारती है। पैरों पर पता चलता है आपको कि गर्म हो रही है सद्दाम भाई? नहीं पता चलता ना, क्योंकि इंजन जो है वो भैया अच्छा है, रिफाइंड है। लोअर RPMs पे तो बहुत ज़्यादा निम्बल रहते हैं, फालतू की अननेसेसरी बिल्कुल साउंड भी नहीं करता है इंजन से। एक बार सद्दाम भाई स्टार्ट करके थोड़ी सी साउंड सुनाओ। इसके अंदर जो एग्जॉस्ट है उसके अंदर देखो डुअल टिप दे रखे हैं, तो इससे साउंड भी अच्छी आती है। एक बार मैं साउंड सुना देता हूँ, हाँ, थ्रॉटल मत करना, सिर्फ आइडल छोड़ दो, करो हल्का सा। बंद कर दो। ये चीज़ ना TVS के हर व्हीकल के साथ रहती है, चाहे इनकी एंटॉर्क हो, चाहे इनकी TVS की अपाचे हो, चाहे इनकी RR 310 हो, कोई भी बाइक हो, सबकी साउंड जो है थोड़ी सी बेसी साइड रहती है। तो वो चीज़ इसके साथ भी आपको इसकी साउंड जो है वो भी थोड़ी सी बेसी साइड देखने के लिए मिलने वाली है, तो साउंड बाइक की बहुत अच्छी है। अब एक चीज़ जो मैं TVS के व्हीकल के अंदर फैन हूँ, जिसका भाई ये देखो बटन ऑफ था गाइस स्टार्ट। ये चीज़ मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर बहुत बार बोला, TVS के हर व्हीकल के अंदर ये चीज़, ये क्लिक करो स्टार्ट, तो भाई इसके अंदर जो सेल्फ स्टार्ट है वो बहुत ज्यादा मस्त है, क्लिक करते ही स्टार्ट हो जाती है। मेरी गाड़ी में किक नहीं है? नहीं, अब कहाँ आती है किक? अब नहीं आती भाई, किक पहले आती थी भाई। माँ कसम, 7 महीने हो गए, मैंने नोटिस नहीं किया। माँ कसम झूठ नहीं बोल रहा भाई, मजाक नहीं भाई, सही में। ओवर एक्टिंग का 100 रुपए काटो। नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं भाई, ओए भाई मेरी गाड़ी में किक नहीं है। माँ कसम, अगर कभी बंद हो जाए ना रोड वोड पे मुझे फोन कर लेना, मैं तरीका बता दूंगा स्टार्ट करने का। किक अब नहीं आती, किक विक नहीं देते अब तो, छोटी बाइकों में आती है। बेइज्जती की बात है भाई, लेकिन नहीं, बेइज्जती की बात नहीं है इससे। अच्छा हाँ, ध्यान नहीं दिया अभी तक, वो तुम्हारे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा सद्दाम भाई, अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा था गाइस, कि मतलब बेसिकली इसके अंदर ऐसी सेल्फ ड्राइव स्टार्ट हो जाता है, सद्दाम भाई को भी पता चले इनकी बाइक में किक नहीं है। अच्छा देना, ये दिन बहुत कमेंट आ जाएंगे, नहीं तो कहेंगे मेरे को बात नहीं है। अब नहीं काटूंगा भाई। मैं क्या कह रहा हूँ सद्दाम भाई, आप जैसे इसके गियर चेंज करते हो, कभी गियर वगैरह फंसते हैं इसके? नहीं भाई, बहुत स्मूथली होते हैं। तो भाई देखो, गियरिंग भी इस बाइक की बहुत अच्छी है, जैसे कि कह रहे हैं स्मूथली होते हैं। बाकी अगर आप देखो एक एस टाइप की नॉर्मल कंप्यूटर बाइक देखते हो, तो उसमें सेंटर स्टैंड होना चाहिए, वो चीज़ भी आपको इस बाइक के अंदर भैया ऑफर कर रखा है। यूज़ करते हो सेंटर स्टैंड का घर में भी, पार्किंग वगैरह में सेंटर यूज़ होती है? वैसे पार्किंग में तो सिंगल पे ही रहती है, क्योंकि पार्किंग में सब लोग लिटा के रखते हैं थोड़ी ज्यादा, तो फिर जगह ज्यादा लेती होगी, ठीक है। तो पार्किंग में भी सही से खड़ी रहती है। सस्पेंशन जो है वो भी इस बाइक का अच्छा है, डबल पे लगाने के वो है यार, डबल पे जब भी लगाते हो ना पार्किंग में, थोड़ी अलग ही बाहर होके खड़ी होती है। हां वो चीज है।
सस्पेंशन भी अच्छी है ना बाइक की, गड्ढे वड्ढों में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखो सस्पेंशन के मामले में अच्छी है, सीट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, तो इजीली जो राइडर है लॉन्ग राइड भी अगर करना चाहे, मतलब एक दिन में अगर 100 किलोमीटर चलानी पड़ जाए ना बाइक, तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं करेगी। और दो बंदे बहुत इजीली कंफर्टेबली, तीन तो चलो कॉलोनी के अंदर अगर रोड पे जाना है तो दो बंदे बहुत कंफर्टेबली इसके ऊपर बैठ के जा सकते हैं। फ्यूल टैंक कितने लीटर का इसके अंदर, कुछ आइडिया है तुम्हें? नो आइडिया इसका, थोड़ा मेरे को भी आइडिया नहीं आ रहा होगा, कम से कम 10 या 11 लीटर की तो होगी, तो 12 की होगी जितनी भी होगी मैं आपको बता दूंगा। तो एक सिंगल टैंक अगर फुल कराओगे तो रेंज अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि क्लोज टू 40-45 किलोमीटर की इसके अंदर आप लोगों को रेंज मिलती है। लाइट्स की अगर बात करी जाए तो टोटली LED लाइट होने के बाद भी इसकी बाइक की जो लाइट का थ्रो है रात में कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा थ्रो है, आपको काफी हद तक जो रोड है अच्छे से क्लियर हो जाती है। बट हाँ, अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ इन लाइट्स के बेस पर अगर आपको कोई लॉन्ग राइड करनी है, हालांकि इस बाइक से लॉन्ग राइड वगैरह कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, मगर सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज होगा वो फिर वहाँ पे आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी। बट ये है कि हाँ, ये लाइट आपकी सिटी राइड के लिए बहुत अच्छी है, आपको सिटी में चलाने में बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी। इस बाइक के अंदर आप लोगों का जो है स्लीपर क्लच वगैरह नहीं आता है, या फिर नहीं है नॉर्मल क्लच है, तो इसके अंदर आपको नॉर्मल क्लच देखने के लिए मिलता है, बट फिर भी जो क्लच है वो काफी ज्यादा लाइट है, उंगलियों में पेन नहीं होता ना, ठीक है, बहुत स्मूथ है। ब्रेकिंग की बात करी जाए तो पीछे भले ही इसके अंदर ABS नहीं है, बट अगर फ्रंट ब्रेक की बात करी जाए तो फ्रंट ब्रेक में आपको ABS मिलता है, बाइट भी अच्छी है, और स्टॉपिंग पावर जो है वो भी अच्छी है, आप ब्रेक वगैरह दबाओगे तो आपकी आराम से रुक जाती है। तो ABS की बात करी जाए तो ब्रेकिंग वगैरह अच्छी है, ब्रेक्स मारने पर इजिली आपकी बाइक जो है वो रुक जाती है, तो ब्रेकिंग के मामले में नो कंप्लेंट्स है। सस्पेंशन मैंने आपको बता दिया, ओवरऑल सस्पेंशन अच्छा है। इन शीशों की बात करी जाए तो जब आप बाइक चलाते हो तो पीछे आपको इनके अंदर बहुत अच्छी साइड नजर आती है, ऐसा नहीं है कि आपको पीछे की विजिबिलिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मिलेगा। एक चीज जो TVS की बाइक्स के अंदर बहुत अच्छी होती है वो है भाई, सद्दाम भाई जरा हॉर्न बजाओ, डुअल हॉर्न सेटअप देखने के लिए मिलता है, और यही हॉर्न ये अपनी TVS की अपाची में भी देते हैं, मतलब अपाची वगैरह के अंदर भी आपको सब में ये देखने के लिए मिलता है, RR 310 में भी ये मिलता है। हॉर्न मैं दिखाता हूँ ना आपको, उधर की साइड होगा, आपकी साइड होगा सद्दाम भाई, ये देखो ये लग रहा है, एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक इधर ही कहीं ऊपर की साइड लग रखा होगा, तो दो हॉर्न इसके अंदर मिलते हैं भाई, मस्त साउंड निकाल के देते हैं, डुअल हॉर्न सेटअप है इसके अंदर, ठीक है। और बाकी तो सब कुछ बता ही दिया सद्दाम भाई, और कुछ तो रहा नहीं है, रहा तो बता दो तुम ही, आई डोंट थिंक रहा होगा। पीछे आगे देखो टायर हगर वगैरह भी दे रखा है प्रॉपर अच्छे तरीके से, डिस्क ब्रेक का भी कवर दे रखा है इन्होंने। बोलो ना भाई, मुझे ये चीज ना बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं तुम लोग अपनी गाड़ी में से क्यों हटवा देते हो यार, मुझे अच्छी लगती है यार। हमारी बाइकों का जो टायर है वो चौड़ा है, इसको हटाने के बाद पूरे टायर की जो प्रोफाइल है वो नजर आती है, तो लुक बनती है एक थोड़ी सी, तुम इसे हटा के देखोगे तो तुम्हारा टायर ऐसे लगेगा पोलियो हो गया इसे। इसकी वजह से टायर थोड़ा चौड़ा लग रहा है, इसकी वजह से थोड़ा कवर रहता है, इज्जत बची हुई है, भारी लगती है। और बाकी इसके अंदर एक चीज ये है जो इसका ये है ना, हाइपर एज, ये चीज काफी मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है, इंजन प्रोटेक्टर की जो डिजाइन है थोड़ा एजी है, पूरी बाइक का जो इसका डिजाइन है ना थोड़ा एजी है, अगर देखोगे फ्रंट से जो लुक है ये चीज भी शार्प है, टैंक का कॉर्नर भी शार्प है, ये चीज भी शार्प है, तो वो चीज मेरे को पर्सनली थोड़ी अच्छी लगती है। और जो मडगार्ड के ऊपर डिजाइन है ये भी थोड़ा सा शार्प दे रखा है। बाकी इसके अंदर देखो फोक्स प्रोटेक्टर भी मिल जाते हैं, थोड़ा मतलब आपकी जो सील है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रहती है ये चीज़, ठीक है। और ओवरऑल तो भाई देखो बाइक अच्छी है, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, पॉजिटिव नेगेटिव इसके यही लगते थे, बाकी अगर कोई ओन करता हो उसे कोई नेगेटिव वगैरह लगते हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ प्रीत। छोटे छोटे बच्चे आ गए पीछे हल्ला मचा रहे हैं, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, चलें सद्दाम भाई, चलो।